हेलो फ्रेंड्स, सुधा की रसोई में आपका स्वागत है। और मैंने यहाँ पर रख दिया है गैस ऑन करके कुकर, जो मैं कुकर में बनाने जा रही हूँ, और वो है बीन्स आलू की सब्जी। इसे बनाऊँगी मैं रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा डालूँगी आधा बड़ा चम्मच बटर और एक बड़ा चम्मच डालूँगी मैं ऑयल। डालते हुए इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती जाऊंगी। यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है 4 से 5 लहसुन के टुकड़े, बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं, तो हल्का सा सौते कर ले और गैस का फ्लेम मीडियम हाई पे रखें। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं हींग 2 से 3 पिंच, और साथ में कद्दूकस किया हुआ आधा इंच के लगभग अदरक है, इसको भी हल्का सौते कर लें। तेल गरम है तो बस जल्दी से हो रहा है। इसके बाद तुरंत डालेंगे एक लाल मिर्च कटी हुई और साथ में प्याज। प्याज को भी हल्का ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। बीन्स की एक और सब्जी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जो गाजर के साथ मैंने ऐड करके बनाया था, और वो भी अच्छा टेस्ट देती है और थोड़ा सा अलग है। तो उस वीडियो को भी, अगर उस रेसिपी को भी देखना चाहें जो बीन्स की गाजर के साथ है, तो मेरे चैनल पे जाएं और बीन्स की सब्जी की रेसिपी के नाम से सर्च करें तो आपको मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर बीन्स और आलू मैं ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में बना रही हूँ मैं। उसमें मैंने सरसों का तेल ऐड किया था, यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल और बटर ऐड किया है, जो एक अलग फ्लेवर देता है। तो प्याज हल्के से नरम हो गए हैं, तो इसी के साथ सबसे पहले डालूंगी मैं आलू, जो इस तरह से मैंने काट लिए हैं मीडियम साइज़ के क्यूब्स में। तो मैंने यहाँ पे 3 बिल्कुल मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसे धोकर, छील कर धोकर और इस तरह से काट लिए हैं। मीडियम हाई फ्लेम पर चलाते हुए आलू को भी थोड़ा सा हम भून लेंगे। यहाँ पर जो मैंने हींग और लहसुन को कूट कर, एक लहसुन को दबा के थोड़ा सा काटती हूँ मैं, तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे लहसुन का और जो लहसुन जो रोस्ट हुआ है और हींग जो तेल में उसकी खुशबू निकल के आ रही है, बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर आलू भी थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, अभी गैस का फ्लेम सिम पे कर लिया है मैंने। और यहाँ पर काटे हैं मैंने बिल्कुल बारीक बारीक, फ्रेंच बीन्स बोलते हैं जिसे, या फिर बीन्स ही बोल ले। तो इसको धो के और आगे पीछे का रेशा निकाल के इसे बारीक बारीक काट ले, या बीन्स का साइज़ जितना आप अपने हिसाब से रखना चाहें उस हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बड़ी कटोरी डाल रही हूँ, पूरा नहीं डाल रही हूँ, और ये 2 से 3 लोगों के लिए बन रहा है। तो बीन्स को भी मीडियम हाई फ्लेम पर चलाते हुए थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे हम। बीन्स को भी भून लिया है, अभी गैस का फ्लेम सिम पे करके एक एक करके सारे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा चम्मच सबसे पहले हल्दी ऐड करेंगे, डालेंगे एक छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 से 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ पे 1 छोटा चम्मच है ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो हल्का सा अच्छा कलर देती है, तीखा नहीं होता ये, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल आधे छोटे चम्मच से भी कम। नमक भी डाल देंगे इसी के साथ स्वाद के अनुसार, मैं 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ। और यहाँ पर एक और गरम मसाला डाल रही हूँ, जो है रॉयल करके गरम मसाला। एक तो नॉर्मली गरम सब्जी मसाला आता है और एक है रॉयल गरम मसाला, वो भी ऐड कर रही हूँ तो अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल आधा छोटा चम्मच। अब इन मसालों को भी सिम पर ही हल्का सा 1 मिनट के लिए चलाते हुए मसालों को सब्जी के साथ फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। गैस इस टाइम सिम पर ही रखें। तो अभी मसाले भी थोड़े से भून चुके हैं तेल के साथ सब्जी के साथ, तो बस अभी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो एक छोटी कटोरी के लगभग पानी ऐड करेंगे।
सूखी सब्जी बन रही है, ये कोई भी रसेदार या ग्रेवी के साथ नहीं बन रही है। तो बस पानी को हमने डाला है कि सब्जी और आलू विसल के साथ, विसल लगाएंगे, ढक्कन लगाएंगे कुकर में और 2 से 3 विसल आने देंगे, 3 सीटी आने देंगे। मीडियम हाई फ्लेम से थोड़ा सा फ्लेम हाई रखेंगे, बिल्कुल हाई नहीं रखेंगे, हाई से थोड़ा सा कम करें और 3 विसल आने तक सब्जी को पका लेंगे और कुकर को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद खोलेंगे। और बस पानी उतना ही डाला है ताकि बीन्स और आलू पक जाएं और हमारी बीन्स और आलू की ड्राई सब्जी तैयार हो जाएगी। अभी गैस का फ्लेम तेज हाई पे कर दिया है और इसमें बॉयल आने दिया और फिर इसका ढक्कन लगा लेते हैं। अगर आप इसमें टमाटर भी ऐड करना चाहें तो 1 टमाटर काट के बारीक बारीक ऐड कर सकते हैं, जो हमने मसाले ऐड किए थे उसके तुरंत बाद टमाटर ऐड कर लें और उसको भी 1 से 1.5 मिनट नरम होने तक, टमाटर को आप नरम होने तक पका लें और उसके बाद पानी डाल के इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस बॉयल आ चुका है, इसमें हम ढक्कन लगा देते हैं। बस गैस का फ्लेम मीडियम हाई से थोड़ा सा ज़्यादा रखें और 3 विसल आने तक देख लेते हैं। तो यहाँ पर विसल निकल चुकी है, 3 सीटी आने तक मैंने इसे पकाया था और 3 सीटी आते ही कुकर बंद कर दिया था, देख लेते हैं। तो देख रहे हैं बिल्कुल सब्जी तैयार है और पानी मैंने उतना ही डाला था और 3 विसल में ना तो ये पानी है और ना ही लगा है नीचे तले पे, ये बिल्कुल परफेक्टली उतनी पानी के साथ। और आलू भी पूरी तरह से पक चुके हैं, तो इतने छोटे छोटे आलू हैं तो 3 विसल में पक ही जाएंगे। आप मैं दबा के दिखाती हूँ, बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं। तो हमारी बिल्कुल स्पाइसी बीन्स और आलू की सब्ज़ी तैयार है, ड्राई सब्जी, टिफ़िन के लिए, सफ़र के लिए और वैसे भी लंच और डिनर में चपाती के साथ, फुलके के साथ खाएँ। इसे निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। पहले थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर लेते हैं, बारीक कटा हुआ फ्रेश, मिक्स कर लें। अब निकालें सर्विंग बाउल में। तो निकाल लिया है मैंने इसे सर्विंग बाउल में और हल्का सा गार्निश कर लें कटे हुए धनिया पत्ता के साथ। तो बिल्कुल इस तरह से बनाएं और परफेक्ट पाएं बीन्स और आलू की स्पाइसी मज़ेदार टेस्टी सब्जी। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट ज़रूर करें कि आपने बनाई तो कैसी बनी। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप मेरा वीडियो देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।